गुड मॉर्निंग क्लास फोर। बेटा आज जो है चैप्टर एट में वाटर में हम प्रैक्टिस की जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज जो है और जो एक्सप्लेनेशन थी फर्स्ट बुक का हमने कवर किया था। आज हम जो प्रैक्टिस बुक का जो वाटर चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज उसे हम देखेंगे। माय टर्न वन में है, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। रोहन वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड फाइंड्स हिज मदर समवॉट वरीड। रोहन सुबह उठता है और अपनी माँ को देखता है कि बहुत चिंतित है। देयर इज नो वाटर इन टैप्स, इसलिए कोई पानी नहीं आ रहा था नल में। द बकेट आर इंपटेड टू, इसलिए जो बाल्टी थी खाली थी। एक क्वेश्चन से राइट एनी टू प्रॉब्लम्स दैट रोहन एंड हिज फैमिली विल फेस विदाउट वाटर। कह रहे कि राइट टू प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम्स लिखिए जो रोहन और उसकी फैमिली ने फेस किया। तो रोहन मदर मे नॉट एबल टू कुक, रोहन की माँ जो पानी नहीं था तो वो क्या कर नहीं कर पा रही थी, खाना नहीं बना पा रही थी। दूसरा है रोहन एंड हिज फैमिली मेंबर्स विल नीड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम देयर नेबर्स होम टू गेट रेडी फॉर स्कूल एंड ऑफिस। तो रोहन को जो था रोहन और उनकी फैमिली को पानी की जरूरत थी, इसलिए उन्हें ऑफिस और स्कूल जाना था। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि नेबर्स के जो घर थे वहाँ पे जाकर वो रेडी हुए। ठीक है, फिर बी क्वेश्चन से राइट टू वे बाई विच योर पेरेंट स्टोर वाटर एट होम। कह रहे कि दो बातें लिखिए इसमें जो पेरेंट्स आके स्टोर करते हैं पानी, तो कैसे करते हैं। माई पेरेंट्स स्टोर वाटर इन बकेट्स, जो मेरे पेरेंट्स हैं क्या करें बकेट पानी कलेक्ट करके रखते हैं ओवर है वाटर टैंक। आपने देखा होगा कि छत के ऊपर बड़ी सी काली टंकी सभी जगह फिट रहती, तो क्या है कि ओवर हेड टैंक फिट कर देते हैं ताकि पानी वहाँ स्टोर रहे और हमें जब जरूरत हो हम उसे यूज कर सकें। सी क्वेश्चन से राइट वे बाई विच योर फैमिली सेव वाटर व्हेन देयर इज वाटर शॉर्टेज। कह रहे राइट वे दो बातें लिखनी है आपको कि आपकी फैमिली कैसे जब पानी की शॉर्टेज है तो कैसे वो उसे कलेक्ट करके रखेंगे। माई फैमिली विल नॉट वेस्ट एंड कीप इट स्टोर। कह रहे मेरे जो परिवार है फालतू पानी को नहीं यूज करते हैं, फालतू नहीं करते, पानी को वेस्ट नहीं करते, उसे स्टोर करके रखते हैं। वाटर यूज इन अ वॉशिंग वेजिटेबल्स, क्या करते हैं वाटर जो सब्जियों को धोने का काम आ जाते हैं। दाल एंड राइस कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स, जो दाल और राइस होते हैं ये जो पौधे होते हैं ये पानी में ही उगते हैं, मतलब पानी में ही लगाए जाते हैं। माई टर्न टू है वाई इज द रेन वाटर कार द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। कह रहे कि जो रेन वाटर है बारिश का पानी है इसे के मेन सोर्स क्यों कहते हैं, पृथ्वी का जो ये मेन स्रोत है इसे क्यों कहते हैं सोर्स कहते हैं। तो रेन फिल्स इन ऑल द सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर एंड आल्सो कलेक्ट एज अ ग्राउंड वाटर। क्योंकि जो रेन जो बारिश होता है तो ये जो ओशंस है पॉन्ड्स है लेक है ये क्या है और सी ये सब क्यों क्या करते हैं फिल करते हैं, और जो बारिश होती है तो धरती भी जो है सोख लेती है पानी, अंडरग्राउंड हो जाता है पानी। तो देयर फोर इट इज अ कार द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, इसीलिए इसे धरती का जो मेन स्रोत है रेन को कहते हैं। माय टर्न थर्ड देखिए बेटा, माय टर्न थर्ड में जो है पिक्चर्स दे रखा हुआ है, ये वाटर साइकिल्स है। आप इसमें क्या करना आप अपनी कोर्स बुक में देखिएगा जो फिगर 10 बना हुआ है, जो वाटर साइकिल्स को देखिए इसको, और इसमें लिखा हुआ मतलब पिक्चर दे रखा है इसको आपको लिखना क्या है। जैसे सन की जो रे किरणें पड़ रही है तो क्या हो रहा है एपरेशन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है भवन हो रहे, फिर ठंडे और कंडीशन हो रहा है, फिर बारिश का रूप लेके आ रहा है जिसे रिसेप्शन हो रहा है, इसे क्या करना है आपको पिक्चर्स जो दिख रहा है उसको आपको फिल करना लिखना वाटर साइकिल देंगे। माय टर्न फोर में आपको आपके पेरेंट्स को बताना है। माय टर्न फिफ्थ है नेम द फॉलोइंग, इसमें आपको नाम लिखने हैं। एक क्वेश्चन से द गैसेज फ्रॉम ऑफ वाटर, द गैसेज ऑफ फ्रॉम ऑफ वाटर, जो वाटर से गैसेज बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो वाटर वेपर। बी क्वेश्चन से चेंज ऑफ वाटर इन टू वाटर वेपर और हीटिंग, जब चेंज वाटर वेपर गर्म होता है हीटिंग होता है गर्म होकर उठता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं ऑपरेशन कहते हैं। सी चेंज ऑफ वाटर वेपर इन टू वाटर ऑन कूलिंग, जब वाटर वेपर बनकर उड़ जाते हैं ऊपर और ठंडा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो कंडीशन कहते हैं। बी क्वेश्चन से द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड एयर अराउंड थ्रू ऑपरेशन कंडीशन रिसेप्शन एंड वाटर कलेक्शन इज कॉल्ड। तो कह रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन हो रहा है कंडीशन रिसेप्शन हो रहा है इसे क्या कहते हैं, भाप बन के उड़ रहे हैं ठंडे हो रहे फिर बारिश बन के वापस आ रहे हैं, ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ई क्वेश्चन से द नेचुरल एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, नेचुरल प्राकृतिक भी है और वो मेन सोर्स भी है धरती का, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो रेन कहते हैं, जो रेन है वो मेन सोर्स है। सेकेंड क्वेश्चन शिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया उसके चार ऑप्शन दिया उसको क्या करना है आपको टिक करना जो सही आंसर है। तो आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद अबाउट, जो हमारा अर्थ है सरफेस है कितने परसेंट घिरा हुआ है पानी से, ठीक है तो 70% वाटर से घिरा हुआ है। बी क्वेश्चन है वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ
इन द फॉर्म्स ऑफ रेन हेल एंड स्नो इज अ कार्ड. क्योंकि वॉटर दैट फॉल्स जो पानी है वो दोबारा वापस आता है पृथ्वी पे रेन बारिश के रूप में, ओले के रूप में, हिमपात के रूप में. तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है. छह क्वेश्चन से द नेचुरल सोर्स ऑफ वॉटर फॉर आवर यूज इज आर. तो जो नेचुरल सोर्सेस है जो इसे यूज करते हैं तो क्या है, रेन है, रिवर सिस्टम और ऑफ दीज, ये सभी है. फिर डी क्वेश्चन, वाटर इन ओशंस एंड सी इज, जो ओशंस और सी का वाटर तो कैसा होता है, तो साल्टी होता है, खारा होता है. ई क्वेश्चन से ह्यूमन एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड नीड वाटर टू. तो ह्यूमन्स आई थिंक जितनी भी जीव चीजें होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उन्हें क्या होते हैं, पानी की जरूरत होती है. इसमें लिखा है लीव ग्रो एडजस्ट बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए, तो इसमें होगा ऑल ऑफ दिस. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन से राइट टू राइट थ्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट लिखा है वहां पर ट्रू भी लिखना है, जो सही उसे ट्रू और जो गलत उसके आगे क्या लिखना है, आपको फॉल्स लिखना है. तो व्हेन द सन शाइन्स ऑन अ वाटर इट्स गेट्स हीटेड एंड चेंज इनटू द स्टीम और वाटर वेपर. जब सूर्य की रोशनी पॉन्ड्स है, लेक, झीलों में पड़ते हैं, तो जो पानी एपरेट होता है, हीट होकर गर्म होकर एपरेट होता है, तो भाप बन पड़े तो उसे होता है. तो मतलब ये क्या सही है, ये ट्रू है. बी, सरफेस वाटर इज ब्रॉट बाई अप डिगिंग एन ओपन वेल और ट्यूब वेल. तो सरफेस ऑफ वाटर मतलब कह रहे हैं कि जो सरफेस वाटर से खुदाई करके पानी को ऊपर लाया जाता है कुएं के द्वारा, ट्यूबवेल नहीं, सरफेस वाटर मतलब ऊपर जलाशय जो है वो नहीं, हम जो धरती के अंदर है तो उसे खोद कर निकालते हैं पानी, उसे वेल के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए. तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा. सी क्वेश्चन से ड्यूरिंग ऑपरेशन द साल्ट रिमेन इन द ओशन एंड सी वाटर बिकॉज दे कैन नॉट एपरेट इजली. तो ट्रू, यहाँ पे कह रहे कि जो समुद्र का पानी और सी का पानी एपरेट होता है, तो नमक जो नहीं है, मतलब पानी एपरेट तो होता ही है. ठीक है. बी है, ए डैम इज स्ट्रॉन्ग हाई एंड थिक वॉल दैट इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर. कह रहे जो डैम बनाए जाते हैं, ऊंची दीवारें, मोटी दीवारें, और कह रहे अक्रॉस द रिवर. ठीक है. तो रिवर के पीछे बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स में बना हुआ है. तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा. ई है, कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग रिवर्स वाटर टू अवर होम. तो कह रहे कि कैनाल्स मतलब नहर के द्वारा घर में पानी ला जाते नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फॉल्स होगा. तो बेटा ये आपका प्रैक्टिकल भी कम्प्लीट हो गया है. थैंक यू क्लास.